वेलकम बैक टू बेबलेट न्यूज एपिसोड 7। एंड आज के इस वीडियो में काफी सारे अपडेट्स हैं बेबलेट के रिगार्डिंग, जैसे कि टीम परसोना की थीम पर बेस्ड बेबलेट, प्लास्टिक जेन रीमिक्स, अपकमिंग बेबलेट एक्स रिलीजेस एंड आखिरी में बेबलेट यूएक्स सीरीज का सबसे पहला बेबलेट एंड ऐसे ही और भी कई सारे अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बाकी मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां पर फॉलो कर सकते हो इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ माइनर एनिमे स्लैश मांगा अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो कार्डोवार एंड बर्न फुजीवारा के एनिमे रेंडर्स रिलीज कर दिए गए हैं, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर हैं। देन बेब्लेड एक्स मांगा चैप्टर रेट भी रिलीज हो गया है, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को बता सकता हूं कि ये लोग भी धोखेबाज हैं। मतलब ये टीम भी मेन एंटैगनिस्ट की टीम नहीं होगी, मतलब ये लोग हर बार चीजों को तो ऐसे सेटअप करते हैं जैसे कि यही होगी फाइनल मेन विलन की टीम। बट हमें क्या मिलता है। एंड फिर चैप्टर 8 के साथ ही बेब्लेड एक्स मांगा वॉल्यूम 2 भी रिलीज हो चुकी है, जिसका कवर तुम्हारी स्क्रीन पर है। एंड ये वॉल्यूम भी चार चैप्टर्स की स्टोरी को ही कवर करेगी, मतलब जैसे वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की स्टोरी थी, वैसे ही वॉल्यूम 2 में चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक की स्टोरी होगी। तो चलो अब 9th दिसंबर 2023 को जो एक्सट्रीम कप G1 टूर्नामेंट हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारी चीजें रिवील की गई थी, जैसे कि ये न्यू बेब्लेड एक्स स्टेडियम जिसमें 3 लोग एक साथ बैटल कर सकते हैं। एंड पता नहीं क्यों इसकी एक्सट्रीम लाइन हेलो किटी जैसी क्यों लग रही है। बाय द वे अभी इसे जस्ट शोकेस किया गया है, ये इसी साल कहीं अप्रैल में जाकर रिलीज होगा। एंड इसी टूर्नामेंट के वेन्यू में ड्रिगर एस एंड ट्राइपियो के बेब्लेड एक्स रीमेक्स के प्रोटोटाइप भी डिस्प्ले किए गए थे, जिसमें से ड्रिगर एस का रीमेक तो बिल्कुल रेडी लग रहा है रिलीज होने के लिए एंड काफी सिमिलर भी दिखता है अपने ओरिजिनल वर्जन से। बट ट्राइपियो का रीमेक अभी भी अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस में ही है एंड इसका डायमीटर इसके ओरिजिनल वर्जन से थोड़ा कम भी कर दिया गया है। बाय द वे इमेजेस को देखकर लगता है कि ड्रिगर एस का रीमेक पॉइंट बिट के साथ आएगा, जो कि सबसे पहली बार लियोन क्लॉ के साथ रिलीज किया गया था। वहीं ट्राइपियो का रीमेक नीडल बिट के साथ आ सकता है, जो कि सबसे पहली बार नाइट शील्ड के साथ रिलीज किया गया था। रैचेट्स के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। तो चलो अब बात कर लेते हैं टीम परसोना की थीम पर बेस्ड बेबलेट के बारे में। सो ये एक स्पेशल एडिशन बेबलेट होगा, जो कि सिर्फ कोरोकोरो मैगजीन के फरवरी इशू के साथ ही तुम्हें मिलेगा। एंड इस बेबलेट को मांगा में मल्टी बर्ड एंड कोरोसु ने मिलकर बनाया था, तभी इस बेबलेट के पार्ट टीम परसोना के अलग अलग मेंबर्स के बेबलेट से आए हैं, जैसे कि ब्लेड हेल्स आई था जो कि बर्ड के बेबलेट से आया है, रैचेट 380 है जो कि मल्टी के बेबलेट से आया है, एंड बिट फ्लैट है जो कि कोरुस के बेबलेट से आया है। एंड फिर इस बेबलेट की थीम एंड डिटेल्स टीम परसोना के अलग-अलग मेंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। एंड फिर 22 जनवरी को, यानी कि कल, बेबलेट एक्स ऐप में रेयर बे गेट बैटल से गोल्डन हेल साइट को रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अब से तुम लोग रेयर बे गेट बैटल के जरिए गोल्डन हेल साइट को ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग इसकी जगह पर एक नया रेयर बेबलेट ऐड कर रहे हैं, जो कि होगा गोल्डन लियोन क्लॉ। पार्ट्स ओरिजिनल स्टॉक कॉम्बो वाले ही रहेंगे, बस गोल्डन कलर स्कीम में होंगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं जनवरी के बेबलेट एक्स रिलीज़ के बारे में। पहला है BX26 यूनिकॉर्न स्टिंग, जो कि एक राइट स्पिन बैलेंस टाइप बेबलेट होगा। एंड सिंस ये बूस्टर पैक में आता है, तो इसलिए इसमें तुम्हें कोई लॉन्चर देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस बे की ओनर होगी यूनी नाम्बा, जो कि मेंबर है टीम यग्ड्रासिल की। एंड इस बे के पार्ट्स होंगे यूनिकॉर्न स्टिंग ब्लेड एंड इसकी एबिलिटी होगी डबल स्टाइल, यानी कि ये अटैक एंड डिफेंस दोनों ही कर सकता है, क्योंकि इसकी एक साइड काफी एग्रेसिव है वहीं दूसरी साइड बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मतलब वही लियोन क्लॉ वाली एबिलिटी, 560 रैचेट, जो कि सबसे पहली बार लियोन क्लॉ के साथ ही रिलीज किया गया था। एंड लास्ट में गियर पॉइंट बिट। अब इसका नेम गियर पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसके गियर्स बिल्कुल नीचे तक एक्सटेंड हो रखे हैं, प्लस जो इसकी टिप है वो पॉइंट बिट जैसी है, जो कि आल्सो सबसे पहली बार लियोन क्लॉ के साथ ही रिलीज किया गया था। तो बेसिकली यूनिकॉर्न स्टिंग को तुम लोग लियोन क्लॉ का ही एक डिफरेंट वर्जन कह सकते हो, क्योंकि ना सिर्फ इसके पार्ट्स लियोन क्लॉ जैसे हैं बल्कि इसकी एबिलिटी भी लियोन क्लॉ वाली ही है। एंड ये रिलीज होगा 27th जनवरी 2024 को जापान में। एंड सिंस इसके अलावा जनवरी में और कुछ भी रिलीज नहीं होने वाला है, तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं फेब्रुअरी के बेब्लेड एक्स रिलीजेस के बारे में। पहला है BX27 रैंडम बूस्टर सिलेक्ट वॉल्यूम 2 स्पिंग स्काउल, जो कि एक राइट स्पिन डिफेंस टाइप बेब्लेट होगा। एंड सिंस ये रैंडम बूस्टर सिलेक्ट सेट में आएगा, तो इसलिए इसमें भी तुम्हें कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा। ये जस्ट 3 बेब्लेट्स का एक सेट होगा, जिसमें से एक तो इस सेट का प्राइस बेस स्पिंग स्काउल होगा एंड फिर इस सेट के बाकी दोनों बेस जस्ट स्पिंग स्काउल के ही रैंडम रीकलर होंगे। मतलब उनका ब्लेड तो स्पिंग स्काउल ही रहेगा, लेकिन उनके पार्ट्स रैंडम होंगे। एंड तभी इस तरीके के सेट्स को रैंडम बूस्टर सिलेक्ट
सेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें एक पार्ट पहले से ही सिलेक्ट रहता है जो कि तुम्हें मिलना कंफर्म होता है। एंड इस बे का ओनर है ज़ोनामोस नेकोयामा जो कि आल्सो एक मेंबर है टीम यग्ड्रासिल का। एंड इस सेट के प्राइस बे स्पिंग स्काउल के पार्ट्स होंगे स्पिंग स्काउल ब्लेड 980 रैचेट। अब इसका नेम 980 इसलिए है क्योंकि इस पर 9 स्मॉल ब्लेड्स या कहूं 9 स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स लगे हैं एंड इसकी हाइट 80 है। अब इसे फिनिक्स विंग के रैचेट से कंफ्यूज मत कर लेना, वो 960 था, ये 980 है। एंड लास्ट में गियर नीडल बिट। अब इसका नेम गियर नीडल इसलिए है क्योंकि इसके गियर्स बिल्कुल नीचे तक एक्सटेंड हो रखे हैं एंड इसकी टिप नीडल बिट जैसी है जो कि सबसे पहली बार नाइट शील्ड के साथ रिलीज किया गया था। देन इस सेट के सेकंड बे यानी कि स्पिंग स्काउल के ब्लैक वर्जन के पार्ट्स होंगे ब्लैक स्पिंग स्काउल ब्लेड 480 रैचेट एंड लास्ट में हाई नीडल बिट। एंड इस सेट के थर्ड बे यानी कि स्पिंग स्काउल के व्हाइट वर्जन के पार्ट्स होंगे व्हाइट स्पिंग स्काउल ब्लेड 560 रैचेट एंड लास्ट में ऑर्ब बिट। बाय द वे ये सेट 22 फरवरी 2024 को जापान में रिलीज होगा। तो चलो अब आखिरी में बात कर लेते हैं बेब्लेड यूएक्स के बारे में। सोकोरोकोरो मैगजीन के फरवरी इशू में उन्होंने एक ब्लू बेब्लेड को टीज किया है जो कि 100% बेब्लेड यूएक्स का सबसे पहला बेब्लेड होगा क्योंकि टकारा टॉमी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के पीडीएफ के हिसाब से हमें पता है कि मार्च में 4 बेब्लेड यूएक्स के प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे एंड 3 नॉर्मल बेब्लेड एक्स एक्सेसरीज रिलीज होंगी। तो जनवरी के यूनिकॉर्न स्टिंग एंड फरवरी के स्पिंग स्काउल के फुल्ली रिवील होने के बाद अब ऑब्वियसली बात है कि कोरोकोरो वाले नेक्स्ट मार्च में रिलीज होने वाले बेब्लेड्स को ही टीज करना शुरू करेंगे यानी कि बेब्लेड यूएक्स के बेब्लेड्स को जो कि वो करना शुरू कर भी चुके हैं। एंड इसी वजह से उन्होंने टीजर में भी लिख रखा है समथिंग डिफरेंट एंड इस बेब्लेड की थीम एंड डिजाइन को देखकर लगता है कि ये कोरुशु के ड्रैन बेब्लेड्स का यूएक्स वेरिएंट होगा। सिंस कोरुशु ही मेन प्रोटैगनिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है पहले वो लोग मेन कैरेक्टर के ही न्यू यूएक्स बेब्लेड को पहले टीज करेंगे। एंड मेरे हिसाब से तुम लोग बेब्लेड यूएक्स को बेब्लेड एक्स सिस्टम का ही एक सब सिस्टम वेरिएंट मान सकते हो जैसे कि टर्बो सिस्टम का सब सिस्टम वेरिएंट टर्बो अवेकनिंग सिस्टम था जहां पर उन लोगों ने टर्बो सिस्टम में ही बस कुछ एक्स्ट्रा गिमिक्स ऐड करके टर्बो अवेकनिंग सिस्टम बना दिया था। बिल्कुल वैसे ही शायद इन लोगों ने बेब्लेड एक्स के सिस्टम में भी बस कुछ एक्स्ट्रा गिमिक्स ऐड करके एक नया सब सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसे ये लोग बेब्लेड यूएक्स कह रहे हैं क्योंकि शेप वाइज ये यूएक्स बेब्लेड ज्यादा डिफरेंट नहीं है नॉर्मल बेब्लेड एक्स बेस से। सो यही थे आज के सारे अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड बाय। अरे अरे अभी किधर जा रहे हो? अगर बेब्लेड एक्स के ब्रेकिंग इशू के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो, लेकिन अगर बेब्लेड बर्स्ट फैन हो तो तुम्हें ये बेब्लेड बर्स्ट फैक्ट वीडियोस जरूर पसंद आएंगी।